से ये कहना चाहता हूँ कि रानीवाड़ा नगर पालिका लायक है ही नहीं। पहली बात, अभी 10 साल तक नगर पालिका की कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती बढ़ा दिया। ये राजनीतिक अशोक जी की गवर्नमेंट थी, रतन जी ने करवा लिया, नारायण सिंह जी हटवा नहीं रहे। वो कह रहे हैं भाई कि रतन देवा जी ने बढ़ाया, मैं कैसे हटाऊं। करे कोई और भरे कोई, मरे जनता, काम हो नहीं रहा। अब देखो आप रजिस्ट्रेशन करवा जाओ पट्टे के, तो 500 में पट्टा हो जाता था, उसके अभी 50,000 रुपये लगते हैं, 1,00,000 रुपये लगता है। अब ये दे रहे नगर पालिका, क्या करें हम, भुगतान क्यों करें? नगर पालिका हम कोई जवाब दे रहा है, 20 का स्टाफ है अभी काम कर रहा है, और वहाँ एक आदमी व्यक्ति बाहर नहीं आया। हमें इतने नारे लगे, किसी ने नहीं कहा। स्टाफ पैसा ले रहा है, आप पूछो जाके, आप पत्रकार है, कितना स्टाफ काम कर रहा है और क्यों नहीं है? यदि गवर्नमेंट चालू है, जैसे तहसील में है सब कर्मचारी है, वो वहाँ क्यों नहीं है, कहाँ गए? और चेयरमैन तो हमारे साथ दे नहीं रहा है, चेयरमैन तो आ ही नहीं रहा है। पार्षद तो फिर भी आया हमारे साथ में, चेयरमैन तो बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहा है। गांव पड़े बोले ऊंडे खड्डे में, कोई लड़ लड़ा नहीं। सबसे मेन मुद्दा व्यापारियों का प्लस पूरे रानीवाड़ा ग्राम पंचायत का और पूरे ग्रामवासियों का यही है, मार्केट में कोई व्यवस्था, सफाई नाम की कोई व्यवस्था है ही नहीं। पूरी मार्केट में जहाँ भी देखो आप, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, नाली सफाई की कोई व्यवस्था है नहीं, रोड लाइट कोई पुरानी लगी हुई हो, ठीक है, वरना नवरात्रि चल रहे हैं, उसके बाद दीपावली आने वाली है, कहीं लाइट की व्यवस्था है नहीं। हमने 3-4 बार नगर पालिका में कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, उनका कहना है कि वो ठेकेदार के और लेबरों के नहीं बन रही आपस में, इनकी आपस में कोई अनबन है। उससे तो हम ग्रामवासियों का तो क्या मतलब है, व्यापारी क्या चाहते भाई, व्यापारी उसमें कोई रोल नहीं है। ठेकेदार लेबर कह रहे हैं कि हमारा पेमेंट नहीं आ रहा है, ठेकेदार कोई बाहर का है। हमारी तो पहली मांग तो ये है कि साफ सफाई करें, और जहाँ तक हो सके ठेकेदार यहाँ का कोई लोकल हो, तो अगर नगर पालिका का अफसर कहें उससे, उसके अलावा हम भी उनको कह सकते हैं कि भाई सफाई अब क्यों नहीं कर रहे हो, वरना कोई बाहर का ठेकेदार क्या पता कहाँ का है, वो आता ही नहीं है रानीवाड़ा में। आज नगर पालिका में आए कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट वहाँ पर कोई भी नहीं, एक भी कर्मचारी नहीं है, छोटे से लेकर बड़े अफसर तक। हमने तहसीलदार साहब को आज ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब के मार्फत अगर 10 दिन का अल्टीमेट दिया है, सफाई व्यवस्था और लाइट और सारी व्यवस्था सुधरती है मार्केट की, तो हम पूरा मार्केट प्लस ग्रामवासियों का नगर पालिका में धरना देंगे और नगर पालिका के लॉक लगाएंगे। साहब हमारे पहले ग्राम पंचायत थी, उस टाइम सुचारू रूप से साफ सफाई वगैरह सब चीज हो रही थी। अब नगर पालिका होने के बाद में पहले से पहले ठीक से सफाई हो रही थी, उसके बाद में सफाई एकदम नहीं कहीं बराबर है। जगह जगह कचरे के ढेर है, जगह जगह रोडों पे पानी भरा पड़ा है, कीचड़ भरा पड़ा है, स्कूलों में बच्चों के जाने के वह बहुत तकलीफें हो रही है, राहगीरों को चलने में तकलीफ होती है, छादल चलते उनके कपड़े खराब होते हैं। हमसे यही नगर पालिका से गुजारिश करते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी इनको 10 दिन का हम अल्टीमेट देते हैं, 10 दिन तक अगर ये सफाई सुचारू रूप से कर देते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम यहाँ पर नगर पालिका पर धरना देंगे। पालिका से हमने निवेदन किया है कि रानीवाड़ा नगर पालिका के अंदर जो भी कई जगह कचरे का ढेर है, तो नगर पालिका कचरा उठाते हैं, उठा करके किसी अव्यवस्थित जगह पर डाल देते हैं, उसके बाद में तो कचरे को बाहर फेंकने की व्यवस्था करते नहीं, या शासन प्रशासन की कमी है, जो इनके जो टेंडर प्रणाली जो ठेकेदार है कई दिनों से लुप्त है, वो न तो मार्केट में आ रहा है न किसी को दिखना। जब भी बात करते हैं ये हिसाब से प्रशासन से, तो यही कहते हैं कि ठेकेदार और इनके कर्मचारी हड़ताल पर हैं, कर्मचारी हड़ताल पे हैं, तो ये सब उससे निवेदन करते हैं कि भाई उनको ब्लैक लिस्ट करो और नए प्रणाली ठेका प्रणाली जो है इसके हिसाब से इशू करो और सफाई व्यवस्था की मार्केट के अंदर की जाए, यही निवेदन करते हैं। पालिका के नारे इसलिए लगा रहे थे क्योंकि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि गांव में नगर पालिका है। आज हमारे साथ हम ग्रामवासी और व्यापारी नहीं, आज हमारे साथ काफ़ी पार्षद भी साथ मौजूद है, किसी को भी कोई संतुष्टि नहीं है नगर पालिका का, जो भी है सब समस्या दे, जिसकी भी आज आप किसी से भी पूछो, एक भी पार्षद ये नहीं कहेगा कि हमारे वार्ड में सही कार्य हो रहे हैं, ठेके दिए जा रहे हैं, पार्षदों को पूछा नहीं जा रहा है। आखिर वो पार्षद है तो है क्यों, उनको बनाया क्यों गया है? सारे आज आप उस तरफ भी देख सकते हो, जितने नगर पालिका के अंदर सफाई कर्मचारी है सारे आज वो भी खुद धरने पर बैठे, उनको 3-3, 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिली। गाँव वालों का इसमें क्या गुनाह, क्या तकलीफ, इससे अच्छा तो नगर पालिका हो ही नहीं। हम हमारे लेवल पे यहाँ हमारी स्थिति जो भी करते थे हम कर रहे थे, उल्टा हमारे को तो 500 सैलरी ने बताया, 500 की जगह 50,000 रुपया देने पड़ रहे, 1 बीघे की जमीन का 7-7 लाख रुपया खर्चा आ रहा है, ये कोई फायदा हुआ हमारे लिए? घाटा ही है, इससे अच्छा तो कैंसिल करो, नगर पालिका की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे, हम खुद नगर पालिका के पार्षद कह रहे जो कि आज सब मौजूद है, क्या कर रहे बताओ, आप खुद बताओ हम क्या कर सकते हैं, बताओ क्या कुछ डिमांड है? आप भी पहुंचे हो, पार्षद हो, नगर पालिका का अहम हिस्सा हो आप। वैसे मैं पार्षद भी हूं और व्यापारी भी हूं, और हमने लिखित में सफाई के बारे में, खाइयों के बारे में लिखित में दिए हुए हैं,
फिर भी उसके अंदर काम नहीं हो रहा है। हमने कई बार लिख के दिया है पर अभी वार्ड जैसे मेरी वार्ड 11 है, मैं 11 वार्ड के अंदर बहुत लिख के दिए है पर अभी तक एक भी काम नहीं हुआ। जैसे नाली का बोला है, रोड लाइट का बोला है, तो अमुक काम अटके हुए, वैसे काम तो हुए हैं, नास्ती नहीं के काम नहीं हुए, काम तो हुए हैं पर ऐसे ऐसे काम अटके हुए जहाँ पे कोई आवश्यकता थी वो काम नहीं हो रहे। ग्राम पंचायत रानीवाड़ा कला की भी बैठक में आप गए थे, पहले आप वार्ड पंच थे फिर पार्षद बने हो, एज ए सरपंच की अध्यक्षता वाली भी बैठक में गए, अब एज ए नगर पालिका चेयरमैन की अध्यक्षता की बैठक में भी आप शामिल हो रहे हैं, व्यवस्था दोनों की कैसी बताओ, काम करने का तरीका, व्यवस्थाएं, आसानी से काम कहाँ हो सकता है, ग्राम पंचायत या फिर नगर पालिका? ग्राम पंचायत में व्यवस्था सही है। तो इसका मतलब रानीवाड़ा नगर पालिका कैंसिल होनी चाहिए? बिल्कुल, आपकी डिमांड है। बिल्कुल, आपके यहाँ फिर सभी पार्षद होगी, माजी आठ है, व्यापारी आया सब, व्यापारी कह रही है कि मोर साफ सफाई नहीं बहती है, तो साफ सफाई थी क्यों नहीं करता हूँ, शहर 3000 थी, पगार मन ज्यादा मरता नहीं है, ठीक है, मोर पीएफ कटे पर पीएफ मन मरा कटे रही हो कतरा साल थी साफ सफाई काम करो, सफाई तो नगर पालिका तो ढाई साल पंचायत में पहले काम करता तो मन तो पंचायत में काम ठीक ठाक तो नगर पालिका पंचायत में हमारा सही पेमेंट आता तो नगर पालिका में मोर कम आवे मतलब पेमेंट नहीं आता है पेमेंट नहीं आता अड़ वास्ते साहब काम नहीं करता हूं हां जन वास्ते काम नहीं करता अच्छा हमें काम रोको लो है हां रोको लो चल पे आज मारे पीप है तो पीप मन मैं नहीं रियो कम मळियो जो पीप मारे नहीं तो मोर बहुत ज्यादा।